खाएंगे सिर्फ रेडी टू ईट फूड फॉर अ डे। सो सुबह सुबह कुछ गरम खाया जाए इसलिए हम खाएंगे यू गेट चिली चिकन नूडल्स। लेट्स ओपन इट। वाओ। सो खोलते ही हमें इसमें मिला नूडल्स का पाउच, मसाले का पाउच और फोर्क। हमें सबको एक साथ मिला लेते हैं और इसमें गरम पानी डालकर हम इसको ढक्कन बंद करके थोड़ी देर तक रख देंगे। A few moments later. A little bit nervous हो गया, नहीं पता नहीं। Oh my God, they're ready. वैसे कुक तो अच्छे से हो गए नूडल्स, वैसे कोई प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है। चलिए अब इसे मिक्स करके एक बार ट्राई भी करके देख लेते हैं टेस्ट कैसा करते हैं। वैसे इंस्टेंट नूडल है पर खाने में मस्त लग रहे एकदम। ऐसे ऐसे ठंड वाले मौसम में खा के एकदम मजा आ गया। So, बहुत अच्छे है ये, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। So now it's lunch time. So now we are gonna try mom's ka ready to eat fried rice. इसमें A few moments later. कुक तो अच्छे से हुआ है, बस इसमें एक चीज की कमी है, शेजवान चटनी। चलिए इसे भी डाल देते हैं ठीक से मिक्स करने के बाद। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। Is it really ready to eat? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसमें शेजवान की जो चटनी है ना उसका फ्लेवर 10/10। The way rice has been cooked in 8 minutes 10/10. Honestly, this product is totally 10/10. You should definitely give it a try. So, अब हो चुका है डिनर टाइम और मैं सोच रही थी कि क्या क्या खाया जाए डिनर टाइम में, ऐसा क्या रेडी टू ईट खाया जाए। तभी मुझे मिला हल्दीराम का रेडी टू ईट पाव भाजी मिक्स। तो चलिए देखते हैं हाउ इट टेस्ट्स। सो ये जो रेडी टू ईट पाव भाजी होती है इसका पाउच जो है वो हमें पानी में थोड़ी देर के लिए उबालना पड़ता है। A few moments later. So, हमारी रेडी टू ईट पाव भाजी रेडी हो चुकी है। दिखने में और क्वांटिटी वाइज मुझे अच्छी लग रही है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। इसका जो टेस्ट है वो टमाटर थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, बाकी अच्छा टेस्ट है। इसके लिए मैं इसे 7/10 रेट करना चाहूंगी।